मार दिया मुंह में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा मैगी इधर निकल रहा, पास्ता इधर निकल रहा। क्या ही बोलूं। आज पता है जीजू क्या कर रहे हैं? मेरा पीसी हटा करके खुद का पीसी सेट कर रहे हैं ऊपर। मैं झाड़ू देख करके आती हूँ, क्या कर रहे हैं आखिर। खड़े हो जाए यार, खड़े कर रहे हैं तेरे को। जीजू मेरा पीसी हटा दिए, देखो इधर इधर दोनों तरफ मेरा पीसी पीसी नजर आ रहे हैं पूरे घर में, वायर वायर। और मेरे हाथ में कैमरा है। और तेरे हाथ में कैमरा है? क्यों? मेरी वीडियो बनवा पहले। मार दिया मुंह में। एक तो बाबू इसके पिंपल्स के पीछे पड़ा रहता है बेचारे का, फोड़ दिया सारा पिंपल्स, मैगी पास्ता इडली डोसा सब निकल गया। ये बता दी, ये मैगी है, मैगी मैगी निकल गई ना। इधर इसका पिज्जा निकला हुआ है और इधर इसके मोमोज निकले हैं। हाँ, बर्गर तो भूल ही गया। बर्गर तो खाती हूँ यार, खाती है, खाती है। अबे अब वीडियो बनाने चला इधर। अभी हम सब जा रहे हैं ऊपर, मनीष भी अभी आ गए हैं, जीजू के फ्रेंड, तो मैं तो जा रही हूँ ऊपर, ये लोग तो चले भी गए। दीदी जीजू सब ऊपर चले गए धूप में बैठने के लिए, भाई जब बहुत ज्यादा ठंडा है। आ गई मैं तो ऊपर। कितने सारे कपड़े सूख रहे आज, इतने सारे मैंने कपड़े धोए, इधर भी हो सारे कपड़े। गाइस आज का खाना जो है ना सारा मैंने बनाया, किसी ने 1% भी हेल्प नहीं किया, ना मम्मा ना योगेश ना दीदी, किसी ने मतलब कोई हेल्प नहीं किया आज के खाने में बनाने में। और मैंने आज बनाया गोभी आलू की भुजिया, दाल चावल रोटी और बैगन का सब्जी मैंने बनाया है। दीदी तो वीडियो बना रही थी, दीदी को मैं बोल नहीं सकती, सोचा दीदी को आज चलो रेस्ट करने दे देती हूँ, तो आज का खाना मैंने बनाया है। देखो मस्त बनाया खाना, पापा ने बहुत अच्छी तारीफ की है, मम्मा ने भी किया कि बहुत अच्छा बनाया आज का खाना। ये लग गया हमारा तारक मेहता, और ये लग गया हमारा तारक मेहता, भाई क्या ही बोलूं यार, इतना ज्यादा तारक मेहता कैसे देख लेते यार, पता नहीं खाने टाइम ही तारक मेहता। तो गाइस आज भी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, सोचे ये 2-3 दिन के लिए तो आए हुए हैं ही, बाबू का टीका लगने वाला है ना, तो उस चक्कर में ये लोग आए हुए। वैसे तो चूरू तो सोचा उसे मजे लेकर के आराम से जाए ये लोग भी और साथ में हम भी, क्योंकि ये लोग नहीं रहते तो मैं भी घूमने लिए जाती नहीं हूँ, योगेश लेकर के जाते ही नहीं यार, वो बोलते क्या ही अकेला घूमने का मजा है बताओ। दीदी जल्दी तू रेडी हो जा, नहीं तो आज भी शाम हो जाएगा जाते जाते। और आज हम लोग जा रहे हैं टिल्ला, जगह का नाम है, बहुत अच्छी जगह, मैं पिछले बार गई थी, ऊंट और घोड़े और सब है, वो भी बैठ करके आराम से चिल करने वाले हैं आज। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टिल्ला मतलब टिब्बे की ओर। दीदी उतर भाई, अभी से ही ऊंट और का दर्द। अरे मेरे को तो निकलने दे बे पागल। दीदी उतर जा, आ जा इधर, आ जा भाई, मार मार रहा थी। अरे नहीं मार दी, ये सब ऊंट नहीं मारती, आ जा आ जा। चलो योगेश और किधर है पता नहीं, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने टिब्बे पे मतलब टिल्ला। ये देखो कितनी प्यारी ये जगह है, मैं तो पिछले बार आई थी, इतने अच्छे नहीं थे यार उस टाइम, इस बार तो बहुत ही प्यारा जगह है। सिर्फ ऊट ऊट ही दिख रहे हैं मेरे को तो, और कुछ दिख ही नहीं रहा इधर तो। ये देखो ऊट ऊट इधर भी। गाइस इन दोनों को तीनों को देखो, उतना दूर से इतने दूर तक आने में इतने थक गए बताओ। अरे जल्दी आ यार, अरे मनीष भी अभी आ गए, निशु भी आ जा जल्दी आ, इतना टाइम लग रहा भाई, मैं अकेले चढ़ी हुई तो ऊपर, सोच के देख भाई थक गई मैं भी। ये देखो वाली चप्पल खोल के हाथ में ले रखी है, चाची भी चप्पल खोल के हाथ में ले ली। अरे आ जा आ जा आ जा, ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है भाई। फाइनली हम लोग टिब्बे के ऊपर तो चढ़ गए यार, बहुत ज्यादा थक गए सच्ची पूछो तो, ऐसा लग रहा है कि सांस ऊपर नीचे हो रहा है। जीजू तो गिर गए थे बीच में, गिर गए जीजू तो चढ़ते चढ़ते ही, दीदी को फिर वापस मैं पकड़ करके लाई हुई थी देर ऊपर। तो गाइस अभी हम लोग बैठने वाले हैं घोड़े की राइड्स करने वाले हैं, मतलब घोड़े पे बैठने वाले हैं अभी हम लोग। बुआ जी चाची तो इधर बैठेगी, दीदी सबसे पहले बैठेगी, सबसे पहले राइडिंग तो जीजू कर रहे हैं, बैठ चुके घोड़ा पे, शादी कर रहे हैं, दूसरी दूसरी बीवी आ रही है लेने के लिए, जा रहे हैं लेने के लिए, जा रहे हैं दूसरी बीवी को, एक को होते हुए से वही तो काम करेगी घर का वो बीवी सारा। जीजू और दीदी बैठ चुके हैं उठ पर, अब इतना जोर से उठाया ना कि क्या ही बोलूं। आगे वाले को बहुत ज्यादा डर लगता है सच्ची पूछो तो। तो फाइनली
फाइनली हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले चुके हैं, टिब्बे का भी और ऊँट का भी, घोड़े का भी, सबका मज़े बहुत अच्छे से ले लिया। फिलहाल घर जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा डर लगा सच्ची पूछो तो बैठने का टाइम वो भी। फाइनली मेरी एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आप लोगों को भी मेरी व्लॉग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो व्लॉग को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, अभी के लिए चलती हूँ, बाय बाय।